लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। सुशांत सिंह राजपूत इसी बिहार का बेटा था, कहाँ है सीबीआई? और अपने बिहार के नित्यानंद राय जी, जिनके ऊपर 12 केसेस हैं, कहाँ है सीबीआई? नमस्कार, मैं शंभु कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। कोरोना में जब सुनील बाबू पूरा प्याज बंटवाए हैं, राशन बंटवाए, उस समय सरकार कहाँ गई थी? यहाँ पर क्यों करते हैं आप आरजेडी कर करते हैं, क्या है यहाँ पर, क्यों है इधर? इनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा है डिस्टर्ब करने के लिए, और क्या नियति क्या हो सकती है सीबीआई या केंद्र का? केंद्र का है कि डिस्टर्ब करें, सरकार को चलने नहीं दें, और क्या। विधानसभा में आप लोग का बहुमत, आरजेडी तेजस्वी यादव बहुमत सिद्ध कर रहे हैं, एक तरफ 5 विधायक के ऊपर सीबीआई आज ही के दिन छापा मार रही है, यह नियति क्या कहेंगे इस नियति को? देखिए, ये नियति नहीं है, पहले से ही 167 विधायकों का समर्थन महागठबंधन की सरकार को था, तो इसमें कोई इफबट तो था नहीं। जी जी। और रह गई ये सीबीआई और ईडी, एंड ऑफ डेमोक्रेसी। ईडी क्या है? एंड ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, ईडी का परिभाषा एंड ऑफ डेमोक्रेसी? बिल्कुल है सर। जिस व्यक्ति के पास, जिस सुनील बाबू के ऊपर एक भी एफआईआर ना हो, उसके घर में सीबीआई। जो 300 केंद्र को खुलवा के 265 का यूरिया बेचता हो, उसके घर में सीबीआई। जो धान और गेहूं की बात करता हो, जो खेत खलिहान की बात करता हो, उसके घर में सीबीआई। ये ऐसी सरकार है केंद्र में जिसके तीनों गृह मंत्रियों के ऊपर चार्ज है, एक तड़ीपार, एक के बेटे ने किसान की हत्या की, और अपने बिहार के नित्यानंद राय जी, जिनके ऊपर 12 केसेस हैं, कहाँ है सीबीआई? सुशांत सिंह राजपूत इसी बिहार का बेटा था, कहाँ है सीबीआई? सीबीआई केवल और केवल गुमराह कर रही है। महंगाई की लड़ाई हम ना लड़ सके, रोजगार की बात हम ना कर सके, सड़कों पे किसान की बात हम ना कर सके, एमएसपी की गारंटी की बात हम नहीं कर सके, वही है सीबीआई। सीबीआई एक तरीके का झुंझुना बना के रख दिया है इस चंगू मंगू की सरकार ने। क्या बोल रहे थे आप इंदिरा जी? बीजेपी का दलाल है सीबीआई, समझ गए बात। जब कुछ होता है, जब मोदी को डर हो जाता है ना, तो उसका एक एक रास्ते है सीबीआई, दूसरा कुछ है ही नहीं है। आज तो मीडिया में खबर ये चलना चाहिए कि तेजस्वी यादव बहुमत सिद्ध कर लिया। अरे वो तो है ही है, लेकिन सबसे तो गलत बात है कोई नोटिस नहीं देना, कुछ नहीं देना, फिर भी ये डायरेक्ट एक बार आके ये कर देना, कितना गलत बात है। अब चोर के दरवाजे से कहाँ आए? आरोप क्या है आप लोगों का? कुछ आरोप नहीं है। 107 का, 107 का आरोप है, लिखित में देगा सरकार। आरोप यही है, कसूर यही है कि ये बेकसूर है, कसूर यही कि बेकसूर है, बेकसूर है। कसूर ये है कि इन्होंने किसानों की बात की है, सहकारिता की बात की है, इन्होंने लोगों के, किसानों को कैसे खाद पहुंचा, कैसे बिहार में सहकारिता आंदोलन आगे बढ़े, इसमें लगे हुए हैं लोगों के, जन जन, ये जन सैलाब लोगों का जो है, ये जनसमूह बता रहा है कि कितने पॉपुलर हैं, और जो है तो ये कसूर यही है कि ये बेकसूर हैं, उनको निर्दोष फंसाया जा रहा है। कोरोना में जब सुनील बाबू पूरा प्याज बंटवाए हैं, राशन बंटवाए, उस समय सरकार कहाँ गई थी? पूरे गरीब के घर में राशन पहुंचवाए है। उनका नाम है सुनील सिंह। कहाँ से आए आप? हम सोनपुर से आए हैं। सोनपुर से आए जी, समर्थन में आए जी, ओवार संघ का अध्यक्ष भी है। बचाओ में का पूरे बिहार में आंदोलन होगा, आंदोलन होगा पूरे बिहार में, पूरे बिहार में 8400 कुछ पंचायत है बिहार में, ठीक है, सब चक्का जाम होगा। 1,84,000 जब अभी ले जाए तो आज जाम कर देंगे हम लोग, अभी ले जाएगा तो आज जाम कर देंगे। 1,15,000 वार्ड जीत के गया है, 1,15,000 हर एक ब्लॉक में धरना प्रदर्शन होगा सुनील बाबू का, अगर खिलाफ कोई आरोप गठित होगा तब। अच्छा, आप लोग इस बात का अंदेशा था कि इनके यहाँ से भी रेड पड़े? कोई नोटिस नहीं है, आज तक नहीं है, जबरदस्ती सरकार कर रही है धमकाने के लिए। और जो बीजेपी के जो ओरिजिनल वोटर था, सब लोग टूट रहा है, बीजेपी कोई किसी में सत्ता नहीं आने वाला है। इतना ही समझ, इतना ही जान दीजिएगा। 4 कमरों का ये घर है, 4 कमरों का, 10 व्यक्ति सुबह 8 बजे जाते हैं, और अभी बच कितना रहा है? 5 बजने जा रहा है। 4 कमरे तलाशने में तुम्हें इतना वक्त लग रहा है? तुम प्लान कर रहे हो, प्लांट कर रहे हो, अपने आकाओं से पूछ रहे हो कि किस आरोप में इनको लेके जाएं? कोई आरोप तो है नहीं, ना पूर्व में है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार प्लांट कर रही है कि वो सुनील सिंह, जो किसानों के लिए हर संभव प्रयास करता था, उसके ऊपर दबाव बनाया जाए। कोई केस होता है तो नोटिस होता है कि नहीं होता है? बिना नोटिस के घर छाप दिया जाता है। किसी के यहाँ अगर केस होता है तो नोटिस आता है ना? कोई नोटिस नहीं आया, ये जबरदस्ती छापमारी है। बंधु से आप लोगों से यही अनुरोध है कि सीबीआई बाहर निकलती है तो आप लोग पूछिए
किस कारण से आए, किस कारण से आया, क्या मिला आपको? हम लोग जवाब ही नहीं देंगे, वो कैसे नहीं जवाब देंगे? आप लोग चला, आपका अधिकार है, आपका पूछने का अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। सब रिमोट से चल रहा है, ईडी और सीबीआई। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सीबीआई और ईडी यहाँ आई हुई है, हमारे जो नेता है। तो सीबीआईडी तो पूरे देश में 24 जगह छापा मारा है आज के दिन, और आप लोग तरफ बहुमत भी साबित करने जा रहे हैं, तो नियति पे क्या आप इस बहुमत नियती? तो हम लोग साबित कर ही दिए है ना। ये तो हम लोगों को किस तरह की, हम लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, और बीजेपी फिर से हावी होना चाहती है बिहार में, जो कि अब संभव पॉसिबल है नहीं, उसके लिए कमजोर करने के लिए आरजेडी, जो हमारे आरजेडी के जो हमारे नेता हैं, जो हमारे एमएलसी हैं या एमपी एमएलए जिनके यहाँ आज छापा पड़ रहा है, हम लोगों को कमजोर करने के लिए ये सीबीआई और ईडी उन लोगों ने भेजने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र जो सरकार जो है, केंद्र की डूबता हुआ जहाज है, और तिनके को सहारा के रूप में ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर अपना राजनीति कर रही है। ये जो है किसी भी आरोप का जांच नहीं है। आरजेडी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, और कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने के लिए ये सब कार्रवाई चल रहा है। अब उसको यहाँ दिन में तारा दिखाई दे रहा है। बिहार में सत्ता से जब हटी है तो बिहार में कोई चारा उसको दिखाई अब दे नहीं रहा है, तो यही हथकंडा अपना रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सत्ता से हाथ चले जाने के बाद यही आप नीतीश जी से जब अनबन हुआ था इसका, बीजेपी का, तो पूरे बिहार के चापा कलों में और कुआं में और तालाब में जहर निकलने लगा था। आप लोग हैं मीडिया के, ये है ना, तो ये कोई कर्म और कोई कुकर्म कर सकती है? जहाँ सत्ता में है वहाँ सत्ता में बने रहने के लिए, जहाँ सत्ता में नहीं है वहाँ सत्ता प्राप्त करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। मोदी है तो मुमकिन है, नारा सुना है ना, कुछ भी कुकर्म मुमकिन है मोदी जी के द्वारा। लेकिन ये बिहार है, और माननीय लालू जी कहा करते हैं कि उड़ती चिड़िया के पंख में यहाँ के लोग हरदी लगाते हैं, तो 2024 में मोदी जी का सफाया तय है, और उसका शुभारंभ बिहार से हो चुका है, और जितना अयलवा लाएंगे, जितना तिल मिलाएंगे, उसका और करारा जवाब बिहार से इनको मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। और पूरे देश में यहाँ बिहार के इतिहास को जानते हैं ना, क्रांति का शुरुआत बिहार से होता है। देश में कोई भी क्रांति आज तक हुआ है तो उसका शुभारंभ बिहार से हुआ है, तो मोदी जी के राजनीतिक विनाश का शुभारंभ जो है बिहार से हो चुका है। तो यह है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ जो संविधान है, उस संविधान को इवो खेवराव कर रहा है, इवो गोडसे का संविधान बना दिया है, और यह एक पार्टी का तोता बन करके सीबीआई काम कर रही है, जो यह देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो ये कार्यकर्ताओं का आरोप है बीजेपी पर, कार्यकर्ता ईडी को कह रहे हैं कि एंड ऑफ डेमोक्रेसी है, ऐसा कहने का जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये संजोग है या टाइमिंग है। टाइमिंग के ऊपर सवाल उठ रहा है कि एक तरफ विधानसभा में तेजस्वी यादव बहुमत सिद्ध कर रहे हैं, दूसरे तरफ उनके पांच विधायक के ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा मारा जा रहा है। मैं शंभु कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ, लाइव न्यूज पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।